शांति तो आज बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो रूहानी स्टूडेंट्स की ड्यूटी क्या है स्टूडेंट्स की ड्यूटी क्या है तो मीठे बच्चे तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना प्रश्न है अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते हो और कौन सी बातें समझाते हो कौन सा ढंडोरा पीटते हैं कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है अनेक धर्मों का अब विनाश होना है तुम सब को समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो एक तरफ कहेंगे विनाश होना है सब मर जाएंगे सबका मौत आ रहा है और दूसरी तरफ ये भी समझाना है कि बेफिक्र रहो यह इंटरनेशनल रोला है लड़ाई ज़रूर लगनी है इसके बाद दैवी राजधानी आएंगी ओम शांति यह है रूहानी यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं यूनिवर्सिटी में आत्माएं पढ़ती है यूनिवर्स अर्थात विश्व अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है तो ये है रूहानी यूनिवर्सिटी जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं ये एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है सभी आत्माओं को लेसन मिलता है आत्माएं पढ़ती है इसलिए रूहानी यूनिवर्सिटी है और सभी आत्माएं पढ़ते हैं कोई भी धर्म वाले हैं तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए मैसेज देना है और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है बच्चे जानते हैं वो हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं ऐसे भी कहें वो हमारा बेहद का माशुक है जो भी विश्व में जीवात्माएं हैं वो उस माशुक को याद जरूर करती है ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे तो लौकिक में भी कहेंगे ना क्या सवेरे सवेरे बुद्धि फ्रेश होती है तो इसलिए स्टडी अच्छी रीत से याद रहती है तो इसी रीत से जो फ्रेश बुद्धि होंगे पवित्र बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो कि हम ही चौरासी जन्म लेते हैं चौरासी लाख की तो बात ही नहीं यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सा पतित है यह है ही छीछी दुनिया दुखधाम उसे सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है उस बाप को क्या कहते हैं जो दुखधाम से सुखधाम में ले जाते हैं उस बाप को क्या कहेंगे उनको लिबरेटर भी कहते हैं तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना बाप सब के लिए कहते हैं ये मैसेज पहुंचाकर कर आओ बाप को सब याद करते हैं उनको गाइड लिबरेटर मर्सीफुल भी कहते हैं अनेक भाषाएं हैं सभी आत्माएं एक को पुकारती है तो वो एक ही सारी यूनिवर्सिटी का टीचर भी हुआ ना? बाप तो है ही परंतु ये किसी को पता नहीं कि वह सब आत्माओं का टीचर भी है गुरु भी है सबको गाइड भी करते हैं इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते आत्माओं को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं खास भारत आम दुनिया किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है भल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा परंतु समझ कुछ भी नहीं अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है वो कभी बड़ी या छोटी नहीं होती जैसे तुम्हारी आत्मा है बाप भी वही बिंदी है बड़ा छोटा नहीं वो है भी आत्मा सिर्फ परमात्मा है बाप भी आत्मा है परंतु सिर्फ परमात्मा है सुप्रीम है बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं यहाँ आती है पाठ बजाने फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था तो उनको ही याद करते हैं आत्मा ही तमो प्रधान बनी है याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं जैसे बच्चा कहेंगे आप बाबा बस उनको कुछ भी पता ही नहीं तुम भी बाबा मम्मा कहते हो जानते कुछ भी नहीं भारत में एक ही नेशनलिटी थी उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है फिर बाद में और भी उनमें एंटर हुए हैं अभी कितने ढेर हो गए हैं ढेर हो गए हैं इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं बहुत झगड़े हो गए हैं अंध्यारा भी बहुत हो गया है कुछ तो लिमिट होनी चाहिए एक्ट्रेस की लिमिट होती है ये भी बना बनाया खेल है इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो ना सके फिक्स नंबर है कम जास्ती एक्टर्स हो ना सके जब सब एक्टर स्टेज पर आते हैं फिर तो उनको वापिस भी जाना है जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे बल्कि इतना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं परंतु कर नहीं सकते तो बोलो हम भी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी नौ लाख जाकर रहेंगे फिर सारी आदम सुमारी ही कम हो जाएंगी हम आपको सत्य बतलाते हैं अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा यहाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है वृद्धि होती जाती है एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे इन बातों को कोई समझते नहीं श्रुत बुद्धि समझते हैं कि राजधानी में हर प्रकार के पाठधारी होते हैं राजधानी में राजा भी होंगे प्रजा भी होंगी शाहूकार भी होंगे नौकर चाकर भी होंगे तो जैसे नाटक में वैरायटी एक्टर्स होते हैं उनका का रोल होता है इस रीति से बाबा कहते हैं राजधानी में वैरायटी होंगे हर प्रकार के सतयुग में जो राजधानी थी वो फिर से स्थापन हो रही है ट्रांसफ़र हो जाएंगे तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफ़र होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके गॉड फादर ही कहते हैं तुमको अमर लोग के लिए पढ़ाते हैं दुनिया में पढ़ेंगे इसी जन्म के फायदे के लिए और हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए अमर लोग के लिए यह मृत्यु लोग खत्म होना है सत्युग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ये स्थापन कैसे हुई ये किसी को भी पता नहीं है बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनेस्टी का राज्य था जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनेस्टी का राज्य था तो एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं तो जब ये देवता डिनेस्टी थी तो दूसरा कोई था नहीं अब फिर ये डिनेस्टी स्थापन हो रही है देठी डिनेस्टी स्थापन हो रही है बाकी सब विनाश होना है लड़ाई भी सामने खड़ी है भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है छोटेपन में ये कहानियाँ आदि सुनते रहते थे अभी तुम जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती है जरूर बाप ने ही राजयोग सिखलाया है जो पास होते हैं वो विजय माला का दाना बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं तुम ही जानते हो तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग ऊपर में बाबा खड़ा है उनको अपना शरीर नहीं है फिर ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण तो पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं उनमें सच्चे भी होते हैं जितना छोटे उतना दाम बहुत अभी तुम अर्थ को समझ गए हो ये विष्णु की विजयमाला अथवा रुंडमाला बनती है वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे अर्थ कुछ भी नहीं माला का जाप करते हैं यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो ये है अजपा जाप मुख से कुछ बोलना नहीं है गीत भी स्थूल हो जाता है बच्चों को सिर्फ पाप को याद करना है मुख से बोलना नहीं गीत भी गाने की दरकार नहीं सिर्फ पाप को याद करना है नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे यहाँ मूल बात है ही याद की तुमको आवाज़ से परे जाना है बाप का डायरेक्शन ही है मन मना भव मन से मुझे याद करो बाप थोड़ी कहते गीत गाओ रडी मारो मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है ये तो तुम जानते हो वो ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर है मनुष्य नहीं जानते ऐसे ही नाम रख दिए हैं तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते बाप ही अपकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं कि मैं कैसा हूँ और तुम आत्मा कैसी हो तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने के लिए आधा कल भक्ति की है मैं तो ऐसे पाठ में आता नहीं हूँ मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ तुम दुख भोगते हो फिर तुम ही सुख भोगते हो सतयुग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंच है मैं तो आधा कल्प वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ परमधाम में बाबा आराम से बैठे रहते हैं वन में <clears throat> तुम तो मुझे पुकारते आते हो ऐसे नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ भक्ति में तो समझते हैं भगवान भद, भक्तों की पुकार सुनकर आते हैं बाबा कहते हैं मैं वहाँ तुम्हारी पुकार नहीं सुनता हूँ मेरा पाठ ही इस समय का है वो आते हैं अपने पाठ अनुसार ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ अब ड्रामा पूरा हुआ मुझे जाकर पतितों को पावन मनाने का पाठ बजाना है और कोई बात है नहीं मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है अंतर्यामी है सबके अंदर क्या क्या चलता है वो जानते हैं बाप कहते हैं ऐसे है नहीं भगत समझते हैं भगवान हर एक के मन की बात जानता है अंतर्यामी है बाबा कहता है, ऐसा नहीं है तुम जब बिल्कुल तमोप्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है साधारण तन में ही मैं आता हूँ और तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा और अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएंगी। कितना हाहाकार होना है आफतों में मरते रहेंगे नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी और दुखी हो जाए बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहें इसलिए नेचुरल कैलमिटीज़ भी ऐसे ज़ोर से आती है जो सबको ख़त्म कर देती है लोग समझते हैं नेचुरल कैलमिटी से दुख होता है बाबा आज कहते हैं मैं सबको दुखी ज़्यादा समय नहीं रहना चाहता हूँ इसलिए नेचुरल कैलमिटीज़ आती है जो एकदम सब ख़त्म हो जाए बॉम्ब्स तो कुछ नहीं हैं नेचुरल कैलमिटीज़ बहुत मदद करती हैं अर्थक्वेक में ढेर ख़त्म हो जाते हैं पानी का एक दो घुटका आया और ये ख़त्म समुद्र भी जरूर उछल खाएगा धरती को हप करेगा सौ फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा सुनामी जैसे आती है सौ फुट पानी उछल कर खाए तो क्या कर देगा ये है हाहाकार की सीन ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए मेहनत भी करना है निर्भय भी बनना है तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए देही अभिमानी बनो देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं बाप कहते हैं मैं तो हूँ निराकार और विचित्र यहाँ आता हूँ सर्विस करने लिए हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं ज्ञान का सागर हाय बाबा हे बाबा और फिर कहते हैं हे पतित दुनिया में आओ बाबा कहते हैं मुझे बुलाते कैसे हैं तुम निमंत्रण तो बहुत बड़ा अच्छा देते हो पुरानी दुनिया में बुलाते हो नई दुनिया में नहीं बुलाते हो ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो कहते हैं हे पतित पावन हम पतित है हमको पावन बनाने आओ निमंत्रण देखो कैसा है एकदम तमो प्रदान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बाबा आते हैं बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी ड्रामा में राज ही ऐसा है इनको भी थोड़ी पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं बाबा ने हर बात का राज समझाया है ब्रह्मा को ही वन्नी बनना है पत्नी बनना है ब्रह्मा को ब्रह्मा में कुछ राज है बाबा खुद कहते हैं ये मेरी वन्नी है मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ तो ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वो एडप्टेड माँ ठहरी मम्मा एडप्टेड माँ और ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को पत्नी रूप में अपनाया और हम बच्चों को मुक्कमल से पैदा किया तो ब्रह्मा हो गई सच्ची सच्ची बड़ी माँ और मम्मा हो गई एडप्टेड माँ बाप तुमको तुम इनको कह सकते हो शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे ब्रह्मा को माँ बाप कह सकते हैं यह है ब्रह्मा बाबा मम्मा गुप्त है ब्रह्मा है माँ परंतु तन है पुरुष का ये तो संभाल नहीं सकेंगे इसलिए एडप्ट किया है बच्ची को पुरुष तन में होने के कारण माताओं को संभाल नहीं सकते इसलिए मम्मा को एडप्ट किया नाम रख दिया है मातेश्वरी तो हेड हो गई ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम हैं माँ बाप तो एक ही होते हैं ना तुम सब हो बच्चे गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं एक ना मिले दूसरे से ये राजधानी स्थापन हो रही है ये बना बनाया ड्रामा है इनको विस्तार से समझना है बहुत देर पॉइंट्स है बैरिस्ट्री पढ़ते हैं फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं कोई बैरिस्टर तो दो तीन लाख कमाते हैं और कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे इसमें भी ऐसे हैं तो बच्चों को समझाया गया है कि ये इंटरनेशनल रोला है जो सब कैलमिटीज़ होंगी इंटरनेशनल रोला अब तुम समझाते हो कि सब बेफ़िक्र रहो लड़ाई तो जरूर लगनी ही है तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है अनेक धर्मों का विनाश होगा कितना क्लियर है प्रजा पिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है कहते हैं यह है मेरी मुखवंशावली तो तुम मुखवंशावली ब्राह्मण हो और वो है कुखवंशावली ब्राह्मण वो है पुजारी और तुम अभी पूज्य बन रहे हो तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब ये शरीर छोड़ देंगी इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं शुभेंगा नहीं शरीर पवित्र नहीं है इसलिए लाइट का ताज नहीं दे सकते शुभेंगा नहीं इस समय तुम हो गायन लायक ब्राह्मणों का गायन होता है देवताओं का पूजन होता है इस समय कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है इसलिए किसी के ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए लाइट सतयुग में होती है दो कला कम वाले को ये लाइट नहीं देनी चाहिए त्रेता वाले जिनकी दो कला कम हैं बाबा कहते हैं उनको भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए अच्छा मीठे मीठे शिकल अधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार पहली अपनी स्थिति ऐसी अचल अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके उसके लिए क्या मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है दूसरा नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है पास होकर विजय माला का दाना बनना है वरदान मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है और उसकी उदासी मिट जाती है जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः सब आकर्षित होते हैं उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है साइन बोर्ड हो जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणिया बनो जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो स्लोगन चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और हमारा क्या काम है कोई चोट लगाते हैं तो हमें क्या करना है दुनिया में तो सामने चोट लगाएंगे ना लेकिन हमारा काम है अपने को बचा लेना ओम शांति